सो यामा कंपनी दोस्तों कम कीमत में अपने एक नई 150cc सेगमेंट की बाइक को लॉन्च करने वाली है, जो कि दोस्तों डायरेक्ट टक्कर देगी होंडा कंपनी की यूनिकॉर्न 160 को। क्योंकि दोस्तों ये जो बाइक आ रही है यामा कंपनी की, इसकी कीमत दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो है 1,30,000 रुपए के आसपास रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो पे दोस्तों हम लोग इसी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग इस बाइक के लुक्स के बारे में बात करें, तो बाइक का जो लुक है दोस्तों ये आप लोग को काफ़ी स्पोर्टी के साथ जो है काफ़ी एकदम मस्कुलर भी देखने को मिलेगा, जो कि देखने के मामले में दोस्तों काफ़ी स्पोर्टी लगती है। जो कि देखा जाए तो यूनिकॉर्न के मुकाबले दोस्तों इस बाइक का लुक काफ़ी स्पोर्टी रखा गया है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग को यूनिकॉर्न का लुक ज़्यादा पसंद आ रहा है या फिर दोस्तों आप लोग को इस बाइक का लुक पसंद आ रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। फीचर्स के बारे में बताऊँ तो इस बाइक पर दोस्तों आप लोग को काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि दोस्तों आप लोग को हेलोजन का लाइटिंग सेटअप दिया गया है। लेकिन दोस्तों बाइक पर जो है आप लोग को यहाँ पर जो है एनालॉग के साथ डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है, और साथ ही साथ दोस्तों बाइक पे जो है आप लोग को सिंगल चैनल ABS का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों इस बाइक पे आप लोग को USB चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, TCS यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी दिया गया है, और सेफ्टी वाइज दोस्तों आप लोग को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर तो मिलता ही है। तो फीचर्स दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे अच्छे खासे ही दिए गए हैं। अब बात करी जाए दोस्तों अगर इंजन के बारे में, तो इस बाइक पे दोस्तों सेम आप लोग को यामा कंपनी की जो FGS वर्जन 3 और वर्जन 4 पे इंजन मिलता है, आपको वही इंजन इस बाइक पे भी दिया गया है, जो कि दोस्तों 149cc का रहने वाला है, जिसमें दोस्तों लगभग आप लोग को 12.2 BHP तक की पावर और 13.3 Nm तक का आप लोग को टॉर्क देखने को मिलता है इस बाइक में। और ये जो बाइक है दोस्तों ये 5 स्पीड गियरबॉक्स के सेटअप के साथ आती है, जिसमें दोस्तों आप लोग को सिर्फ और सिर्फ जो है सेल्फ स्टार्ट ही दी गई है। बात की जाए दोस्तों अगर माइलेज के बारे में, तो लगभग दोस्तों आप लोग को 50 KMPL के आसपास में जो इस बाइक से माइलेज देखने को मिलता है। वहीं प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए, तो मैंने तो आप लोग को बता दिया है कि इस बाइक का जो प्राइस है ये लगभग दोस्तों आप लोग को 1,30,000 रुपए के आसपास में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात कर जाए इस बाइक के लॉन्च के बारे में भी, तो इस बाइक को दोस्तों इसी साल 2024 में यामा कंपनी हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च कर सकती है। तो अब आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इस बाइक को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।